लोकसभा चुनाव के चार चरण संपन्न हो चुके हैं, तीन चरण अभी बाकी है, लेकिन देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प आया है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार। बहन और भाइयों, जब 400 पार की हम बात करते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं एक कांग्रेस के नेतृत्व का जो इंडी गठबंधन है वह कहता है कि कैसे, तो जनता जनार्दन के मुंह से निकलता है कि जो राम को लाए हैं। क्या बिहार भी यही सोचता है ना? बिहार यही सोचता है ना? क्योंकि जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उससे पहले सबसे पहला उपहार अयोध्या धाम के लिए कहीं से आया था तो बिहार से आया था, बिहार की जनता जनार्दन की ओर से आया था। क्योंकि उत्सव का माहौल जैसे अयोध्या में था ऐसे ही जनकपुर में भी था, जैसे उत्तर प्रदेश में था ऐसे ही बिहार में था। क्योंकि बिहार में तो और भी उत्सव था, क्योंकि मां जानकी का मायका जो बिहार में है। लेकिन बहनों और भाइयों, अयोध्या के महात्म को और भारत के महात्म को केवल वही समझ सकता है जिसके मन में राम की भक्ति होगी। राम द्रोही नहीं समझ सकते, उनकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में तो एक ही भाव है और वह है कि जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करो, देश की कीमत पर सत्ता, जातियों को लड़ा करके सत्ता, आतंकवाद को पनपा करके सत्ता, नक्सलवाद को पनपा करके सत्ता, भ्रष्टाचार को बढ़ा करके सत्ता, अराजकता फैला करके सत्ता। और हमारे लिए तो राम सर्वोपरि है, राम की भक्ति है और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का भाव है। इन दोनों को अलग करके हम नहीं देख सकते और इसीलिए पूरा देश आज के दिन पे कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों भाइयों, चार चरणों के चुनाव के उपरांत पूरे देश के अंदर अब सुनामी बन चुकी है, मोदी सुनामी। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह अब नहीं रहा। और मैं तो आपके सामने आया आपसे यही कहने के लिए आया हूं। मैं पहले बिहार में औरंगाबाद गया, वहां से नवादा गया, फिर बेगूसराय आया और आज मुझे छपरा में सारण में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह, क्या उमंग है, क्या उत्साह है, मैं देख करके दंग हूं। बिहार की बुद्धिमता ने देश और दुनिया को एक दिशा दी है। बिहार, यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि है और ये बिहार देश की आजादी के बाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन जिसने लोकतंत्र को बचाया था, सदैव जयप्रकाश जी की भी पावन धरा है। लेकिन बहन और भाइयों, इस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया था? बिहार के लोगों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। हमें दुख होता है कि जो बिहार अपनी बुद्धिमता से
देश को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है, वह बिहार पहचान के लिए तरस रहा था। इन लोगों ने माफिया और अपराधियों को पनपा करके क्या स्थिति बिहार की कर दी थी। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे यूपी में, यानी केंद्र में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी की सरकार आई, अयोध्या में रामलला का भी विराजमान हो गया, और आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में हमने माफियाओं को कहां पहुंचाने का काम किया। एक बड़े बड़े माफिया थे जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, बड़े बड़े दंगे करवाते थे, रामनवमी में दंगा, होली में दंगा, दीपावली में दंगा, जन्माष्टमी में दंगा, शिवरात्रि में दंगा, जो भी पर्व है छठ पे दंगा। तो हम लोगों ने भी तय किया, मैंने कहा अगर मुझे मोदी जी ने यूपी की बागडोर सौंपी है तो इन दंगाइयों को रसातल को जरूर पहुंचाऊंगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे अब यूपी में पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, ये सब समाप्त, दंगा भी समाप्त, कर्फ्यू भी समाप्त, और वहां पर माफिया भी समाप्त। अब महोत्सव होते हैं, महोत्सव, महोत्सव दीपोत्सव अयोध्या में, रंगोत्सव मथुरा में, देव दीपावली काशी में, और आपको अयोध्या में, काशी में, विंध्यवासिनी धाम में जाने का अवसर प्राप्त होता होगा। आज आप देखते होंगे जैसे अयोध्या वैसे लगती, जैसे त्रेता युग की अयोध्या साक्षात उतर आई हो। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस और आरजेडी बिहार को फिर से कहां पहुंचाना चाहती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भारत आज डिजिटल युग में जा चुका है, ये बिहार को लालटेन युग में ले जा रहे हैं। क्या लालटेन युग में ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे? क्या? और जो गिरिराज बाबू अभी कह रहे थे, लालू जी क्या कह रहे हैं, भगवान करे वो स्वस्थ रहे, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, वो कहते हैं कि पिछड़ों का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। ये तो गाली दे रहे हैं जी, संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान के शिल्पी थे, जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, और संविधान की खिल्ली लालू जी जैसे लोग उड़ाने का काम कर रहे हैं, कहते हैं सभी आरक्षण। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था भारत के संविधान सभा में कि धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस और आरजेडी या धर्म के आधार पर आरक्षण की घोषणा करके देश के विभाजन के आधार रखना चाहते हैं, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या? और दूसरी खतरनाक चाल इनके द्वारा क्या चली जा रही है? वह चली जा रही है, देखो गरीबी तो कांग्रेस ये लोग हटा नहीं पाए। कांग्रेस गरीबी हटाने का मॉडल देखना हो तो मोदी मॉडल देखो। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं देश में, 4 वर्ष से लगातार कर रहे हैं, और कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब भूख से मरता था, तवा के भाव में दम तोड़ता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। और मोदी जी ने घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है
कि अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए सभी पात्र लोगों के लिए एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है कि हम आने वाले समय में फ्री बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हर घर पे सोलर पैनल लगाएंगे और उस पैनल से आप बिजली से पैसा भी कमाएंगे और फ्री बिजली भी प्राप्त होगी। पैनल भाइयों, जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, यानी जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को भारत ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके एक खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। ये जो पाकिस्तान का राग अलापने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से बोलिए कि भाई अगर पाकिस्तान से इतनी ही स्नेह है, इतना ही प्यार है, तो भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान जाओ। उनको भी गली मोहल्लों में जाकर के कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। देख रहे हो, 1 किलो गेहूं के लिए वहां क्या छीना झपटी हो रही है। ये तो पाकिस्तान के हाल है। और बहनों और भाइयों, भारत है अपने लोगों को सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। ये मोदी जी का मॉडल है। लेकिन इनका मॉडल क्या है, इनका मॉडल क्या है? कांग्रेस क्या कहती है? कहती एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? क्योंकि दादी ने नारा दिया तो पोता भी वही नारा रट रहा है 54 वर्ष के बाद भी। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आज पोता भी वही कह रहा है। जब एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा कैसे? उसने कहा वेल्थ सर्वे, वेल्थ इमरजेंसी, ये सर्वे कराएंगे संपत्ति का। आपके बाप दादों की जो कमाई होगी, आपके पिताजी ने, आपके बाबा ने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा होगा, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा कोई जमीन ली होगी, कोई आपको पुश्तैनी जमीन मिली होगी, उसमें कांग्रेस और आरजेडी के गुंडे आएंगे, कहेंगे कि भाई अब तो इनकी सरकार आ गई है, इसमें से 50% आधी प्रॉपर्टी अब ये सरकार की हो गई है, अब इसमें कांग्रेस के लोग कब्जा करेंगे। यानी इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो जजिया कर लगाना चाहते हैं वरासत टैक्स के नाम पर। क्या ये जजिया कर स्वीकार करेंगे? क्या स्वतंत्र भारत में औरंगजेब की आत्मा वालों को आप जीवित करने देंगे? क्या बहन और भाइयों, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और हमारे अन्य सहयोगी दलों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत को बनाने का चुनाव है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, उसके हाथ को कार्य होगा, हर किसान खुशहाल होगा, हर बेटी और बहन सुरक्षित भी होगी और सम्मानजनक आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेगी। समाज का हर तबका आत्मनिर्भर होगा और विकसित भारत की संकल्पना को आज साकार करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो छपरा सारण पर कमल खिलाना है और इसके लिए रूडी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सहमत है? सहमत है? सहमत है? बहनों और भाइयों, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आ गया है। आ गया है ना? आ गया है ना? देखो क्या कहते हैं सब ये रामद्रोही, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता है, कहते हैं राम मंदिर भारत में बनना ही नहीं चाहिए था। तो हमने कहां बनना चाहिए था? कहना था भारत में नहीं बनना चाहिए था। अरे हमने कहा बताओ तो राम मंदिर अयोध्या में भारत के अंदर नहीं बनता तो कहां बनता? कहता इससे भारत की इमेज खराब हुई है। वाह, हम अपने मुक्तिदाता का, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का मंदिर बनाए, उनकी जन्मभूमि पर बनाए, ये भी कांग्रेस के लोगों को बुरा लगता है।
आरजेडी वालों को बुरा लगता है। बहनों और भाइयों, ये देश के लिए सेम समस्या है, ये कांग्रेस भी और आरजेडी भी देश के लिए एक समस्या बन चुकी है। और इस समस्या से जितनी जल्दी बिहार मुक्ति पा ले, देखो यूपी ने तो उस समस्या का समाधान कर दिया है। आपने देखा होगा कांग्रेस के वहां मात्र 2 सदस्य हैं विधानसभा में, और लोकसभा में पिछली बार 1 था, इस बार वह भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, लालू जी के ही सागिर्द उत्तर प्रदेश में भी है, और उन लोगों को हम लोगों ने एकदम सही जगह पे बिठाया हुआ है कि भाई देखो, बहुत बोलना नहीं है, बहुत करना नहीं है, हलचल बहुत नहीं होनी है। क्योंकि जिन माफियाओं को पहले सागिर्द बनाते थे, अब वे जन्नत के नहीं जहन्नुम के अधिकारी बन चुके, जा चुके हैं, अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए अब बहुत ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों की बारी है, और विकसित भारत निर्माण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। आप सभी बिहारवासी भी सहमत है ना? सारण और छपरा वासी भी सहमत है ना? नए भारत का नया बिहार बनाना है ना? तो इसके लिए एक सीट जीतना होगा, और इसके लिए छपरा और सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी जी को चुनाव विजयी बना के भेजना होगा। बना के भेजेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक वोट को मतदान केंद्र पे लेके जाएंगे, किसी के बहकावे में तो नहीं आएंगे, और सबको बोलेंगे ना कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहन और भाइयों, आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे अपील।